आप सभी लोगों के लिए आज की बर्थडे स्पेशल थाली। तो आज मेरा बर्थडे है, जल्दी जल्दी विश कर दीजिए आप सभी। नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम ब्यूटी विद स्वाति में। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है किचन से। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला था, उसके बाद इसमें डाली दो लाल मिर्च, एक खड़ी इलायची, दो तीन छोटी इलायची, जीरा बस, और इसमें मखाना डाल दिया। अगर आपके पास काजू है तो यहाँ पे काजू डाल दीजिए, नहीं है तो उसको स्किप करिए, मखाना नहीं है तो भी स्किप कर लीजिए। और बस इसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, थोड़ा अदरक डाल दीजिए एक इंच, और उसके बाद ये टमाटर, प्याज, मिर्च, इन सबको डाल देंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। इन सभी को अब ऐसे ही पका लेंगे, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे जिसकी वजह से ये जल्दी से पक जाएगा।갑자기 내게 나타나죠 너, 난 아무 말도 할 수가 없어। तो यहाँ पे मेरे मसाले पक चुके थे, तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, और उसके बाद मैं इसको पीस मिक्सी जार में पीस करके प्यूरी बना लूँगी। और मैं यहाँ पे पनीर कट कर रही हूँ, और पनीर को फ्राई करके एक तरफ रख लूँगी। तो उसी कढ़ाई में मैंने ना मसाले को निकाल करके थोड़ा ऑयल डाल करके पनीर को फ्राई कर लिया।첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어। तो अब मैं जा रही हूँ मालपुआ बनाने, और इसके लिए मैं इलायची कूट रही हूँ। एक तरफ सीरा पकने को रख दी हूँ, और कढ़ाई में आयल डाल दी हूँ मालपुआ को पकाने के लिए। तो बस इसमें मैंने बैटर तैयार कर लिया है। थोड़ा खोए में मैंने मिक्स किया है आरारोट, और थोड़ी से एक चम्मच चीनी। तो खोए, चीनी और आरारोट को मिक्स करके मैं मिक्सी जार में अच्छे से उसको चला लूँगी, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं देखिए बारी बारी से ऐसे कढ़ाई में डालती रहूँगी, और ये पक जाएगा, ये होता रहेगा, तो उसको मैं उल्टा कर दूँगी। उसके बाद दोनों तरफ से थोड़ा सा रेड रेड सेक लूँगी, बस उसको अच्छे से ब्राउन होने के बाद बस इसको मैं ठंडा कर करके सीरे में डालती जाऊँगी। तो लीजिए, यहाँ पे गर्मा गर्म मालपुआ बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी वो मीठा कर लीजिए। और अब सब्जी को पूरा करते हैं। यहाँ पे सब्जी मैंने कढ़ाई में थोड़ा बटर डाल दिया, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी जीरा और थोड़ी हींग, एक तेज़पत्ता डाल दूँगी। उसके बाद में जो मसाला को मैंने पीसा हुआ है उसको मैं इसमें डाल दूँगी, और बस डाल करके उसको मिक्सी जार को धुल करके पानी डाल दूँगी। अभी जो भी पानी हमको ऐड करना है, मैं हम लोग अभी मसाले के साथ उसको ऐड कर देंगे। बस उसको पका लेंगे, थोड़ा सा पक जाएगा तो उसमें पनीर डाल देंगे, और बस उसके पनीर डालने के बाद ढक देंगे, पक जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए पका रहूँगी। ऑलरेडी मसाला पके हुए हैं, तो ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरी सब्जी 5 मिनट में इस तरह से रेडी हो गई है, और मैंने उसके ऊपर से ना पनीर के ऐसे घस करके गार्निश कर लेंगे। और कैसी लग रही है मेरी सब्जी? जितना ये देखने में सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी लग रहा था। तो अब मैं रोटियाँ बना लूँगी बस, और आज आने वाला है मेरा भाई, तो तब तक बनाते बनाते खाना वो आ जाएगा। यहाँ पे हस्बैंड को मैं बस खाना बना करके पैक करके दे दूँगी, वो चले जाएंगे, क्योंकि नाश्ता कर चुके हैं, खाएंगे नहीं, और खाने का टाइम भी नहीं हुआ है अभी। उसके बाद भाई आ जाएगा। ये देखिए, तब तक भाई आ चुका था, आध्या के स्कूल लेने 11:30 बजे तक आते आती है, तब तक आ चुका था। तो आज वही लेने गया, तो आध्या खुश हो गई कि मामा आए हैं आज लेने। और उसके बाद घर आए तो डुकू मिल गई। बस यहाँ पे तीनों भाई बहन बहुत ही खुश हैं। यहाँ पे देखिए, शानू दीदी के आने के बाद झट से आए हैं, दीदी का जूता उतार रहे हैं, इतनी खुश हैं ये कि पूछिए ही मत। देखिए यहाँ पे 1000 में मेरी बहन आए वाला यहाँ पे गाना बनता है। बस हो गया इनका।
तो अब ये दोनों बहनें खेलने में लग जाएंगी, अब चिल्लाते रहेंगे हम खा लो पी लो, पर दोनों की दोनों वही हैं। डुगू भी अपने स्कूल से ही आई है और बस यहाँ ये देखिए शानू, शानू मामा के साथ खेल रहे हैं। शानू का फेवरेट है बॉल, तो मामा भी है और बॉल खेलेंगे अब ये इनको। मामा और डुगू आए हैं तो शानू भी बहुत खुश हैं। अब शानू का भी पता नहीं लगेगा, बस इनको खिला पिला दो जो भी खाना है इनको, बस उसके बाद ये खुश रहेंगे। कभी दीदियों के साथ तो मामा के साथ खेलते रहेंगे। यहाँ पर मैंने मामा ये खीरे कराता है, मैंने ना खीरे कराया था दिया था तो ये कद्दू खीरे कद्दू रहता है। अच्छा कैसा लगा पहली बार का खीरे कराया था? तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। खाना कैसा लगा आज का ज़रूर बताइएगा, और कोई रेसिपी जानना होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा। आज की स्पेशल बर्थडे थाली कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।